हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट टाइम जो टॉपिक किए थे, किसी को किसी कोई कोई डिफिकल्टी है उसमें? यस सर, थोड़े से प्रॉब्लम्स थे सर। बताइए किस टॉपिक में डिफिकल्टी थी। क्वेश्चन सर क्वेश्चन बोलूं या प्रेजेंट करूं? नहीं, टॉपिक पहले टॉपिक बताओ मुझे। एक मिनट सर वो इनर्शिया वाला। एक मिनट। तो जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो? सर एक्स्ट्रा। एक मिनट, मैं स्क्रीन खोल लूं फिर बताना। अभी एक मिनट। हाँ बताओ, क्वेश्चन प्रेजेंट करो, बताओ कौन सा है अभी। ओके सर। हाँ थोड़ा बड़ा, थोड़ा एनलार्ज करो, इसे एनलार्ज करो। एनलार्ज, यस क्वेश्चन चला गया, आप क्वेश्चन चला गया। हाँ हाँ मैं समझ गया। बताओ इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या निकालना था इसमें? अभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। वैसे ये किसके अबाउट निकालना था इसमें? सॉरी सर। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, क्या डिफिकल्टी आ रही है वो बताओ इसमें। सर इसमें इनर्शिया किस में निकालना है? क्वेश्चन में थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हुआ। क्लैरिफाई नहीं हुआ। एलआई। क्वेश्चन पढ़ लूंगा एक मिनट। थ्री ओके पार्टिकल्स सर। ईच ऑफ मास m ग्राम आर सिचुएटेड एट वर्टिसेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट लाइन ax ab के परपेंडिकुलर है इन द प्लेन ऑफ abc, ओके, इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। साइड दी हुई है f सेंटीमीटर, एफ लिखा है वहां, एल लिखा है, अलग अलग लिखा है। हाँ कोई बात नहीं। ये देखो, इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ना, ए एक्स, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ये दिख रहा है पेन मेरा? नहीं, सर एक मिनट मैं स्टॉप। हाँ ठीक है सर। यस सर। मिनट मैं अपने स्क्रीन पे लेता हूँ, वही बना रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन था ना। हेलो सर, आपको हाँ जी, स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट करनी पड़ेगी। जब जब कोई स्टूडेंट प्रेजेंट करता है ना तो आपकी अच्छा चली प्रेजेंटेशन। जाती है। ओके ओके, एक मिनट। अब विजिबल है स्क्रीन? एक यस मिनट। जो आपका क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा है ना, यस ये ए एक्स है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एम, ये एम, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो मास का, इसका डिस्टेंस नहीं है, इसी एक्सिस पर है ये, ठीक है? ओके सर। और इसके लिए मास इनटू डिस्टेंस, ये लेंथ एल है, एम एल स्क्वायर हो जाएगा। मास इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये समझ में आया? इसके लिए, इस वाले यस पॉइंट सर। के लिए, इसको अगर मैं ए बी नहीं, ये तो मैंने इस सबको ए लिख दिया क्या? एक मिनट, क्या कर दिया ये मैंने?
क्वेश्चन में ये ए दिया था, ये तुम्हें याद है, ये शायद बी दिया होगा, ये सी दिया होगा, तो सी वाले के लिए तो ये आ गया, और जो बी वाला है उसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यस और ये यहां से कितना है, ये डिस्टेंस L/2 है, ML²/4, इन दोनों को ऐड कर दो, वो आंसर है आपका। बताओ मुझे, अब समझ में आया? सर, बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है। हाँ, ये टोटल एल लेंथ है, तो बी तो इसके मिड पॉइंट पर, मीडियन पर होता है ना बी पॉइंट, ये L/2 डिस्टेंस तो होगा। आपने क्या ले लिया इसको बताओ? हाँ, अच्छा हाँ, ओके सर। इसमें मिस्टेक कर रहे थे इसलिए नहीं आया। थैंक यू सर। ओके सर। मोस्ट वेलकम। अब क्लियर है? यस सर। आपकी क्लास में बी वाले स्टूडेंट्स भी है ना, बी बैच के, जिस जिसका को सिलेबस थोड़ा कम हुआ था, है ना? यस तो उन स्टूडेंट्स को शायद कुछ डिफिकल्टी आ रही है, ऐसा कह रहे थे मुझे। सर, यस सर क्वेश्चंस पूछने थे। हाँ, बोलो, क्या डाउट है तुम्हारा? तुम सर कंसेप्ट में डाउट पूछा करो, क्वेश्चन में कम, कंसेप्ट में ज्यादा, है ना? पूछो। सर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर लाइज इन एक्स वाई प्लेन विद इट सेंटर एट ओरिजिन एज शोन। द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिंग इज नॉन यूनिफॉर्म सच दैट एट एनी पॉइंट पी ऑन द रिंग द मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वेयर लैम्डा नॉट इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट जेड एक्सिस इज। हाँ, तो ये तो भाई इंटीग्रेशन से निकाला जाएगा, जेड एक्सिस के अबाउट पूछा है, और ये जो रिंग है वो XY प्लेन में है। हाँ, यस सर। तो पहली बात तो ये है कि ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, तुम क्वेश्चन कहाँ से निकाल रहे हो, ये सब IIT क्वेश्चन निकाल रहे हो तुम। दूसरी बात ये है कि इसका जो इंटीग्रेशन है, लैम्डा आर डी थीटा करेंगे, थीटा एंगल पे डी थीटा लेंगे, ये एलिमेंट लेंगे, इस पूरे का मास निकालेंगे, जेड एक्सिस के अबाउट से डिस्टेंस तो सबका सेम ही है, तो जो यस मास, हाँ, तो R²dm। अभी मैंने कराया कहाँ है, ये कहाँ कहाँ से कर रहे हो तुम, अभी इंटीग्रेशन मेथड कहाँ कराया? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, R² कॉमन लेके dm का इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेके 2π के बीच में, समझ गए? नीट के लिए नहीं है ये क्वेश्चन। हाँ, सर, एक क्वेश्चन और है सर। तुम अपने नीट वाले क्वेश्चन कर लो आकाश, ये सब छोड़ दो तुम। हाँ बोलो। नीट वाले बुक में दे रखे थे। वो बुक में तो सब दे देते हैं लेकिन है नहीं वो नीट के, इसलिए मैंने कहा था तुम पहले यूनिवर्सल की बुक लो, और दूसरा नीट में जो आए हुए क्वेश्चन है वो चेक करो, पुराने लास्ट ईयर्स के जो इन नीट में क्वेश्चन आए वो चेक करो, उसमें देखो ऐसा क्वेश्चन आया है क्या, ओके ठीक सर। है, उससे फाइंड करो। ऐसे नहीं कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के और कहीं से भी एक्सपेरिमेंट मत करो। सर एक क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट हाँ अबाउट एक्स पासिंग थ्रू साइड्स ए बी ए सी बी सी आर आई पी आई बी एंड आई एच रिस्पेक्टिवली एंड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट सी इज आई सी। नहीं तो अब वो फिर ट्राइंगल कैसा बन रहा है, शेप कैसे स्क्रीन बन रहा है? हाँ? सर स्क्रीन प्रेजेंट करूँ। हाँ, तो स्क्रीन प्रेजेंट करो, फिर ये चला जाएगा, फिर से आऊंगा। चलो, सही है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है ना, यस सर। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेथड बता देता हूँ, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, यानी बी सी, ए सी और ए बी, तो बी सी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सबसे ज्यादा होगा, बी सी के अबाउट, क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है,
और एसी का डिस्टेंस 3 उससे कम हुआ, इसका इसका सबसे कम होगा, बीसी वाला सबसे कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां से ए के अबाउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना। यस एक मिनट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेगुलर प्लेट अबाउट पासिंग थ्रू ए बी ए सी। हाँ तो हर एक में साइड देखो, ये जो भी साइड के अबाउट निकालना है उससे डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, मास जितना दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, समझ गए? सर वैसे पता कैसे चलेगा कितना डिस्टेंस है? ये पता तो चल रहा है ए बी के लिए, ये देखो जो फार्देस्ट वाला पॉइंट है वो 4 डिस्टेंस अवे है। यस सर। और जो ए सी से एक्सिस पास हो रही है उसके लिए जो सबसे दूर मास है उसका डिस्टेंस खाली 3 यूनिट है, कम है। तो जिसमें डिस्टेंस कम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और बीसी से बीसी जिससे जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट डिस्टेंस और भी कम होगा, तो वो और भी कम आ जाएगा, समझ गए? सर मतलब जिससे डिस्टेंस कम होगा उसका हाँ फिर मास, उसका मोमेंट ऑफ कम हो इनर्शिया कम जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली। और सर इसमें जो आईसी गिवन है वो सबसे ज्यादा होगा जो सी पॉइंट पे है परपेंडिकुलर एक्सिस पे। हाँ क्योंकि इससे तो सारे मास दूर हैं, क्योंकि ये बीसी के तो फिर भी ये वाले मास पास में, इससे तो सारे ही मास दूर हैं, तो इससे और भी ज्यादा आ जाएगा। यस हाँ तो ये हम इस लॉजिक के हिसाब से देखते हैं इसमें, ठीक है? सर ओके सर। और मुझे फिर से आना पड़ेगा, ऐसा है? एक मिनट, स्क्रीन तो बिजी वाले आपकी ये देखो ये विजिबल है ये वाला। यस सर। हाँ तो बस सही है फिर तो, ठीक है अभी तो, है ना? अभी तो ठीक है, चलो। मुझे विजिबल नहीं हो रही है स्क्रीन सर, मुझे विजिबल नहीं है सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट, इसमें तो आ रहा है तो फिर से आना पड़ेगा इसका, मैं फिर से आ रहा हूँ। अब विजिबल है स्क्रीन? यस यस सर।
हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी कर रहे थे और अभी हमने सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन किए थे पॉइंट मासेस के लिए। तो इसमें प्रैक्टिस करने से पहले मैं चाहता हूं आपको जो सेंटर ऑफ मास है उसमें इंटीग्रेशन मेथड करा दूं आपको एक बार। तो देखें सेंटर ऑफ मास अगर हमें एक थिन रॉड गिवन है ये, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? ये ए बी थिन रॉड है हमारे पास, तो अगर पॉइंट मास होते हैं तो हम उसके कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई, इस रूल से सिग्मा एम आई एक्स आई सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई, ऐसे करके ये हम निकालते हैं जब हमारे पॉइंट मासेस होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जैसे ये ए बी एक थिन रॉड है इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये फॉर्मूला बदल जाता है। फिर हम इसमें स्मॉल एलिमेंट लेंगे, इसका मास एम है और इसकी लेंथ एल है, तो हम इसमें एक लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, इसे लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। तो इसकी यूनिट एसआई यूनिट में देखें तो केजी पर मीटर होगी, केजी पर मीटर, यानी इसको जिस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उस लेंथ का मास ही आएगा क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ का मास है। और अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर हम इस रॉड को छोटे छोटे पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये जो स्मॉल एलिमेंट डी एक्स है, इस डी एक्स का अगर पॉइंट मास डी एम है, स्मॉल एलिमेंट का मास डी एम है, तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। अब हमारा फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो सिग्मा है सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ गया, ये मास स्मॉल एलिमेंट का मास इनटू डिस्टेंस और इन सब का इंटीग्रेशन, यानी ये जितने अलग अलग वेरिएबल डिस्टेंस होंगे वो सब हमने ऐड कर दिए अपॉन अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, यानी इस पूरी रॉड का जो मास है उससे डिवाइड कर दें, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको मैं आई वन अपॉन आई टू में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये आई वन इंटीग्रेशन अलग आई टू अलग, इसमें इंटीग्रेशन डीएम तो हमें ऑलरेडी मास क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम, इसलिए डायरेक्ट आ गया ये वाला, अदरवाइज हम इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो पहले मैं यहाँ आई वन निकालता हूँ, कैसे निकालते हैं आई वन इंटीग्रेशन एक्स डी एम, और ये जो स्मॉल एलिमेंट डी एक्स है इसका मास लैम्डा इंटू डी एक्स होता है, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, उससे इस लेंथ स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस एलिमेंट का मास आ जाता है, डी एम इज लैम्डा इंटू डी एक्स। तो हमने सेम फॉर्मूला लगा दिया, मास इनटू डिस्टेंस ऐसे करते आ रहे हैं हम हर एलिमेंट के लिए और उन सबको हम ऐड कर रहे हैं। अब एक्स की लिमिट रखनी है हमें, तो एक्स की लिमिट रखने के लिए देखेंगे हमारा जो एलिमेंट सबसे पास में होगा वो यहाँ ए पॉइंट पर होगा, उसके लिए एक्स जीरो है, और इसी तरह देखेंगे जो सबसे दूर वाला एलिमेंट है, सबसे दूर वाला एलिमेंट यहाँ बी पर है, उसके लिए एक्स की वैल्यू एल होगी, तो x की जो वैल्यू है वो सबसे कम जीरो है और मैक्सिमम l है।
तो हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया, इसमें से लैम्डा हमारा क्वेश्चन में कांस्टेंट है इसलिए लैम्डा बाहर आ गया, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और इसके लिमिट जीरो से लेकर एल तक, और इसमें पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ये लैम्डा एल स्क्वायर बाई टू आ गया, और आई टू लैम्डा इंटू डीएक्स, यहाँ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर लैम्डा वेरिएबल होता, इसमें तो लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर देते, अब यहाँ लैम्डा बाहर आ गया, खाली इंटीग्रेशन डीएक्स, तो इंटीग्रेशन डीएक्स यानी एक्स और लिमिट है जीरो से एल, और लैम्डा इंटू एल यहाँ से ये मास आ गया हमारे पास, या अभी हम लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रख देते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट लैम्डा एल स्क्वायर बाई टू अपॉन लैम्डा एल, तो सेंटर ऑफ मास, इसलिए थिन रॉड का हमारा मिड पॉइंट पर आ गया, ए बी के मिड पॉइंट पर। तो जब भी हमें वेरिएबल डेंसिटी गिवन होगी लैम्डा, तो उस लैम्डा की वैल्यू अगर फंक्शन ऑफ एक्स गिवन हो तो वो वैल्यू रख देंगे, सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते हैं। तो एक बार आप लोग ये मेथड देखो, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। सर ये जो आपने x = इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm लिखा है, ये कैसे लिखा है? ये इसी फॉर्मूले से लिखा है, ये इसका फॉर्मूला है x का, याद कर लेंगे, लेकिन ये इसी से बना है। ये जो मास पॉइंट मास था उसकी जगह पॉइंट मास स्मॉल एलिमेंट का मास आ गया, x की जगह ये x आ गया, और सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ गया, नीचे भी ऐसे हो गया, इंटीग्रेशन आ गया और मास की जगह हमने स्मॉल एलिमेंट का मास ले लिया, उसका सम करना वो इंटीग्रेशन होता है। और यहाँ पे हमने, और वो I1 by I2 के इक्वल कैसे हो गया? नहीं, इसका नाम I1, इसका नाम I2 रख दे, जिससे मैं अलग अलग कैलकुलेट करके दिखा दूँ आपको, इंटीग्रेशन वन इंटीग्रेशन टू। अच्छा ओके सर, वो तो मैंने ऐसे नाम रख दिया लेट, जिससे आपको अलग अलग इंटीग्रेशन, एक बार में ये ले लूं, एक बार में ये, आपको ज्यादा टफ ना लगे, अलग अलग दोनों करके दिखा दिए, फिर वैल्यू रख दी वहां पे। सर यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया इसलिए कि यहाँ पे पॉइंट मास नहीं है, यहाँ पे तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट है, इसलिए इंटीग्रेशन करके आएगा, जब भी सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन से आता है। ये जो रॉड का हमने निकाला था L बाई टू पर, वो इस, ये बेसिक इस मेथड से आया हुआ है सेंटर ऑफ मास। ओके सर, पहले यहां तक देखें, यहां तक क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन अभी और ट्राई करेंगे इसमें। यहां तक किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ आप लोग। नो सर, और स्टूडेंट्स जो बी वाले बैच के स्टूडेंट्स थे, जिनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमने बीच के टॉपिक नहीं किए, तो बीच के टॉपिक का भी कंसेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो हमें मन में ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, बीच के टॉपिक वाले कंसेप्ट अभी हम इसमें बीच में नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये सारे नए कंसेप्ट है सबके लिए, तो धीरे धीरे आपको सब ठीक लगने लगेगा, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ टॉपिक रह गए इसलिए हमें ये टफ लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें एक और एग्जांपल ले रहा हूं,
सपोज ये अगेन हमारी थिन रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेकिन इस बार इसकी लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल गिवन है, लैम्डा इक्वल टू के एक्स, इसकी लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। और एक्स हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये थिन रॉड ए बी है, ये लीनियर मास डेंसिटी गिवन है जो कि के कांस्टेंट है, और एक्स हमारा एक एंड से डिस्टेंस है, इसकी लेंथ हमें एल गिवन है, और लैम्डा मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, लैम्डा इक्वल टू के एक्स, और इसमें एक्स की वैल्यू हमें 0 से लेकर एल तक गिवन है, ऐसा हमें लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। ए से इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो हमें सेम मेथड है, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स एलिमेंट लेंगे, ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा, तो इस वो डिस्टेंस को मैं एक्स बार लिख रहा हूँ, मास इंटू डिस्टेंस सिग्मा एम आई एक्स आई, उसी को हम इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज कर देते हैं, अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। इसको मैं फिर इंटीग्रेशन वन और इंटीग्रेशन टू लिख रहा हूँ, जिससे बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप एक साथ करेंगे, अभी अलग अलग करेंगे। और डीएम को हमें पता है, लिखते हैं हम लैम्डा इंटू डीएक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लैम्डा इंटू डी एक्स, और एक्स की वैल्यू सबसे कम यहां भी गिवन है, एक्स की मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, जब ये एक्स हमारा जो एलिमेंट हमारा बिल्कुल ए पॉइंट पर होगा, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब हमारा एलिमेंट यहाँ पर होगा, यहां से लेके यहाँ तक हर जगह हमारे पॉइंट मास है, जब बी पर होगा तो एक्स की वैल्यू एल हो जाएगी, इसलिए लिमिट है हमारी 0 से लेकर एल तक। लैम्डा जो भी फंक्शन गिवन होगा वो यहाँ पुट अप कर देंगे। तो हमें लैम्डा गिवन है के एक्स, तो के कांस्टेंट है वहां पर, के बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 0 से एल, तो ये 3 भी बाहर ले लेंगे, अब इसमें पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, तो के एल क्यूब बाई 3 ये फर्स्ट इंटीग्रेशन आ गया। इसी तरह सेकंड वाला इंटीग्रेशन निकालूंगा मैं,
डीएम को मैं लिखूंगा लैम्डा इनटू डीएक्स, और एक्स की लिमिट है जीरो से एल, लैम्डा की वैल्यू मुझे के एक्स के वन है, के कांस्टेंट है इसलिए वो भी बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, ये टू भी बाहर आ गया जो कांस्टेंट है, और पहले एक्स में अपर लिमिट माइनस एक्स में लोअर लिमिट रखेंगे, पहले एक्स बराबर एल फिर एक्स बराबर जीरो, अब x निकालने के लिए i1 और i2 की वैल्यू रख देता हूं यहां पे, तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से 2 बाई 3 एल पर आएगा, ये ऐसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। तो एक बार आप ये मेथड देख लो, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, फिर ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप लोग ट्राई करके बताओगे मुझे। नहीं है सर। हाँ तो यहां तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट है क्लास में? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ये लैम्डा इसकी लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, सपोज ये ऐसा गिवन है के कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रॉड की लेंथ एल है, इस रूल से ये लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। आप पहले आप ट्राई करो फिर हेल्प मिलेगी। सर सर हाँ जी सर, इसका आंसर 2x स्क्वायर बाय 3 है क्या? नहीं, x में नहीं आएगा आंसर, तो l में आएगा पहली बात, है ना? यस सर, 2l स्क्वायर बाय 3। नहीं वो भी नहीं आ सकता, इसलिए कि डिस्टेंस है ना, तो डायमेंशनली a की पावर आएगी। अभी ध्यान से करो, अभी मिस्टेक हो रही है, ठीक है?
पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी हम इसमें सेंटर ऑफ मास में भी अभी काफी प्रैक्टिस करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी तो हमने खाली थ्योरम पढ़ी थी सर, तो प्रैक्टिस अभी बाकी है। क्वेश्चन अभी ट्राई करने देंगे सबको, अभी आंसर नहीं बोलना है किसी को भी, खाली ये बताना है उसका हो गया, किसका हो गया, नाम बता दें। सर मेरा हो गया। नाम बताएं। प्रियांशु। हाँ प्रियांशु, हाँ प्रिया हो गया। ओके वेरी नाइस। सर हो गया। नाम बताएं। सर रिया। रिया का हो गया, वेरी नाइस। बाकी लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि सब ट्राई कर लें एक बार। सर हो गया। सर डन। ओके वेरी नाइस, सब काफी लोगों ने कर लिया तो अब सर हो गया। अरे ग्रेट, सबका हो गया। अब बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। L by 12। नहीं सर, 3L by 4। राइट, 3L by 4 राइट है। इसमें ना एक पैटर्न भी बन रहा है, देखो यहाँ पे पावर थी इस वाले क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे तो एक्स की बार 1 थी, तो 1 के आगे आता है 2 और 2 के आगे 3, तो 2 by 3। यहाँ पर है 2, तो 2 के आगे आता है 3 by 4L। ऐसे इसमें ये पैटर्न बनता है, इसी पैटर्न में आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं ट्राई करके दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों का नहीं आया या सबका आ गया तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। बताओ मुझे सॉल्व करूं या नहीं करूं। सर क्या आ रहा है, 3L by 4। हाँ ओके सर, जो आंसर है वो ये है 3 by 4L, ये आंसर है। तो याद कर लें, क्या याद करना है, जो भी डिस्टेंस आएगा वो L की पावर 1 ही आएगी, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट ही आएगा, तो L स्क्वायर L क्यूब ये कभी नहीं आएगा, मतलब मिस्टेक हो रही है, L की लीनियर पावर आएगी, है ना। और ये 3 by 4L आ रहा है, तो मैं मान लूं सबका हो गया। यस सर। यस सर। वेरी नाइस, तो आप लोग तो अच्छा कर रहे हो भाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन भी आप लोगों ने कर दिया खटाखट। तो ये कह रहे हैं लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बाकी था, कौन सा क्वेश्चन है, जरा हिंट दो मुझे क्या था उसमें। फिगर का हिंट दो, मैं फिर से बनाता हूँ वो। आप लोग कह रहे थे ना मुझे एक क्वेश्चन बाकी है अभी, या नहीं कह रहे हैं? सर उसमें वो 4 point masses थे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। अच्छा, क्या निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर, आई एक्स वाई एंड आई जेड निकालना था। अच्छा, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ, ठीक। वो हमने नहीं किया था ना, या कर लिया था, छूट गया था वो? सर छूट गया था, छूट गया था। ओके हाँ, तो वो जरूरी है क्योंकि वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमें बेसिक पहले करना ही करना है। एक मिनट, अब उसी टाइप का मैं दे दे रहा हूँ, सेम जरूरी नहीं है। ये ए बी सी डी है, इस साइड मैंने उसमें अलग अलग ली थी। हाँ ये लेंथ एल है, ये ब्रेथ बी है, और ये इमेजिनरी रेक्टेंगल है, इमेजिनरी। इसके जो वर्टेक्स हैं वहां पे मासेस रखे हैं, वो मैं अभी रख रहा हूं। यहाँ पे एम रखा है, यहाँ 2m, ये पॉइंट मास रखे हैं, ये 3m और ये मेरा 4m पॉइंट मास रखा है, तो ये मैंने पॉइंट मास लिए, 4 पॉइंट मास रखे हैं।
इसमें इनफाइनाइट टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, इनफाइनाइट टाइप के, क्योंकि जहां भी एक्सिस ले लेंगे वहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले लिमिटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले हम ये जो मेन मेन एक्सिस है उसके अबाउट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें आई एक्स आई वाई आई जेड निकालना है। दूसरा, जो भी हम एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसको सॉल्व नहीं करना है आपको, खाली फर्स्ट स्टेप लिखना है, क्योंकि हमें खाली स्टेप चेक करने हैं, तो आपको सॉल्व नहीं करना, खाली फर्स्ट स्टेप लिख के दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस माइनस दिस जो भी आंसर आता है ऐसे करके तीनों लिखो, फिर मैं भी अभी सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। सर यस हो गया सर, यस सर। हाँ, बाकी लोगों ने भी ट्राई कर लिया। खाली फर्स्ट स्टेप, ओनली फर्स्ट स्टेप अभी मैं लिखूंगा, उससे मैच करेंगे, ठीक है।
तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. आई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का जीरो, इस फोर एम का भी जीरो. ठीक है? यस सर. यस सर. और ये टू एम मास के लिए मास इनटू डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ऐसी थ्री एम मास के लिए मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. ये आ गया आई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट. सबका ये आंसर है? यस सर. यस सर. हाँ गुड. तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं. अब सेम रूल से वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे. तो वाई एक्सिस पे जो मास है उनका जीरो हो गया, और जो दूर वाले मास है उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. तो इस वाले मास के लिए ये मास इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर. इसके लिए ये वाई के अबाउट आ गया. सबका यही है आई वाई? यस सर. यस सर. अब जेड एक्सिस है एक्स और वाई के परपेंडिकुलर, सॉरी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ए से पास हो रही है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है. तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम की वजह से जीरो हो गया, क्योंकि ये तो एक्सिस पर ही आ गया, और 2m की वजह से 2m इंटू बी स्क्वायर. ठीक है? फोर एम की वजह से 4m इंटू ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहां पे एक्सिस हमारी नॉर्मल टू द प्लेन. और 3m के लिए क्या लिखूं? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अंडर रूट नहीं, अंडर रूट तो चला गया, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. तो इसका स्क्वायर कितना है पाइथागोरस से? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखो पहले सबका ऐसा आ रहा है आंसर? यस सर. सर Z वाला एक बार बता दो. हाँ Z वाला फिर से देखते हैं. Z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसमें दिखाई नहीं दे रही हमें, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, पर हमें इमेजिन करना है इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर हवा में मान लेंगे एक्सिस Z एक्सिस. तो उस एक्सिस के लिए इस मास से इस एक्सिस का डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही परपेंडिकुलर आएगा, तो इसलिए मास इंटू बी स्क्वायर. ठीक है? ऐसे ही 4m के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, और 3m के लिए ये जो लाइन है ये लाइन जो z एक्सिस है उसके साथ एंगल इसका 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर ही है उस एक्सिस पर, इसलिए यही डिस्टेंस होगा, इसलिए हमने ये लिखा यहाँ पे. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ जी सर. इसमें डायरेक्टली आई एक्स प्लस आई वाई भी तो कर सकते थे. Yes, sir. हाँ अगर वो सब थिन प्लेट में है, पर हमें वो इसलिए नहीं किया हमने यहाँ पे, वो भी कर सकते हैं क्योंकि हमें बेसिकली समझना है, इसलिए हम वो अभी नहीं लगा रहे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ठीक है? तो अगर हमारे पॉइंट मास है, वो तो वैसे थिन प्लेट के लिए था, नहीं तो चार पॉइंट मासेस ही हैं. हाँ तो इसको इस पॉइंट मास को ज्वाइन करके हम एक थिन प्लेट की तरह मान सकते हैं ना, तो उसके लिए भी सेम आ जाएगा. ये भी एक प्लेन में ही है ना चारों मासेस, तो जब भी एक प्लेन में होंगे yes, हाँ तब हम यूज कर सकते हैं. मतलब जब भी पॉइंट मासेस एक प्लेन में होंगे तब हम यूज कर सकते हैं. यूज कर सकते हैं. हाँ वो एक थिन प्लेट की तरह होगा क्योंकि वो सब एक प्लेन में एक ही प्लेट में. सर ये जैसे जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए मासेस तब भी, मतलब एक साइड ज्यादा है और कम है तब भी चल जाएगा ना?
हाँ वो हमें मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अलग अलग मास है ना, ये भी अलग अलग मास है। जब पॉइंट मास है तो ऐसा कर सकते हैं, अगर प्लेट होगी तो फिर इंटीग्रेशन से निकालते हो तो। हाँ कोई डाउट पूछ रहे थे बीच में? सर, जो ये IX है उसमें जैसे 2MB² प्लस 3MB² आया, तो ये m तो दोनों में सेम ही है ना, तो इसको हम 5MB² क्यों नहीं लिख रहे? हम जरूर लिखेंगे, इसलिए कि हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम खाली स्टेप चेक कर रहे हैं जिससे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिल्कुल लिखेंगे हम, ओके सर, मुझे लगा शायद कुछ नहीं गलत हो। ये गलत नहीं है। एक्चुअल में हम ऐसा कर दें तो हमें ये समझ नहीं आएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा ये सही है या गलत। तो मैंने इसलिए ये लिखा था क्योंकि हम खाली स्टेप चेक कर लें, नहीं तो फिर पहले सबको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर मैच होगा। तो इसलिए हमने स्टेप लिखवाया जिससे टाइम कम लगे और हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। ओके सर, तो यहाँ तक स्टूडेंट कंफर्टेबल, ऑल आर कंफर्टेबल? यस सर, बोलिए हाँ। और जो बी वाले बैच वाले हैं वो जरूर बोले हाँ, बोलो वी आर कंफर्टेबल। वी आर कंफर्टेबल सर। हाँ गुड। और कोई ऐसे नहीं, फोर्सफुली नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बोलेंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सर वैसे जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी वो थिन प्लेट्स के लिए जो थी, तो उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए मासेस या अनइवनली में भी चल जाएगी वो? इवन अन इवन से नहीं था उसमें, याद करो। उसमें अगर कोई थिन प्लेट गिवन है, अन इवन डिस्ट्रीब्यूटेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें खाली IX और IY वो पता होने चाहिए, फिर IZ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हाँ ओके सर, IX और IY हमें पता होने चाहिए। सर हाँ जी, हाँ जी, सर लास्ट क्लास से डाउट। हाँ बोलो क्या हाँ डाउट? बोलो, क्या डाउट? सर जो सर्कुलर रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर से ज्यादा क्यों है? सर मास तो सॉलिड स्फीयर का ज्यादा हुआ। हाँ सॉलिड स्फीयर का मास ज्यादा हुआ, अगर ज्यादा मास लेंगे तब तो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, सेम मास के लिए ही कंपेयर कर सकते हैं ना। पहले ये समझो, फिर तो अलग अलग मास से, अलग रेडियस से, फिर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। ठीक है, नहीं सर इसका मास ज्यादा है तो उसके कंपेयर में तो मास इसका, मास ज्यादा नहीं, मास अगर सेम है तब कंपेयर करेंगे हम, है ना? है ना? सेम है तो दोनों का सेम ही होगा मोमेंट नहीं ऑफ सेम नहीं, इनर्शिया। सेम नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास सेम है तो रिंग में जो मास है वो अगर सेंट्रल जेड एक्सिस लेते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर तो मास उससे दूर है, हाँ दूर और है स्फीयर में तो मास आर डिस्टेंस पर भी है, 0 से R के बीच में सब जगह मास है, तो यस। बहुत सारे पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कम हो गया, हाँ कम हो गया तो फिर कम आना चाहिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सारे मास तो आर डिस्टेंस पे नहीं है, समझ गए? यस। हाँ जो आपका जो डाउट था आपका क्लियर हुआ। सर किस किस पे मास के अलावा और किस किस चीज पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास और डिस्टेंस दो ही चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना, मास और डिस्टेंस का, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और डिस्टेंस कैसा है, इसी के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। अगले एग्जाम्पल लेने से पहले मैं एक चीज और आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि बुक में इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन है, और ये बहुत सिंपल चीज है, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है ये। इसके लिए मैं डिस्क का एग्जाम्पल लूंगा, उससे समझेंगे क्या चीज होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये हमारी डिस्क है,
ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है और नॉर्मल टू द प्लेन है। इसका मास एम है, रेडियस आर है। तो जो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस डिस्क का, वो एम आर स्क्वायर बाई टू है ना, फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अब ये जो जेड एक्सिस है जो ओ से पास हो रही है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ओ पे जो सेम एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी सेम रहना चाहिए, मास भी जो इसका मास है वही मास रहना चाहिए, इस मास को, ये जो भी डिस्क थी इसके मास को अगर मैं पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, पॉइंट मास में, ओ से डिस्टेंस अगर एक्स हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होना चाहिए जो डिस्क का पहले आ रहा था ये वाला, तो इसके लिए ये एक्स डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अगर पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें तो, इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन इस डिस्क के लिए, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस के लिए, हर एक्सिस के लिए अलग अलग होगी है, ये हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है। ये समझ में आया आपको? तो रेडियस हाफ एम आर स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर के इक्वल कैसे हो गया, समझ में नहीं आया। फिर से कोशिश कर रहा हूं, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब हमें ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना है कि अगर इसके मास को हम पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें, जो भी डिस्क है हमारी उसके मास को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें, तो ये जो जेड एक्सिस है ऊपर उस एक्सिस से इसको कितनी दूर रखें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो डिस्क का पहले जेड एक्सिस के अबाउट आ रहा था। तो ये जो डिस्टेंस जहां पे हमें पॉइंट मास रखेंगे उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करके एक्स डिस्टेंस पर रख दिया। तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट होगा मास इंटू ये डिस्टेंस स्क्वायर, और बाई डेफिनेशन ये वही होना चाहिए जो आई जेड आ रहा था जिसके लिए हम रेडियस ऑफ गायरेशन ये एक्स निकाल रहे हैं। इससे हमारे एक्स की वैल्यू आ गई। तो फिर से बता रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए अगर आई जो भी आई के बने उससे मास इंटू डिस्टेंस का रख देंगे, तो इससे हमारा ये आई बाई एम, ये फॉर्मूले की टर्म्स में ये आ गया अंडर रूट I by M, इसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। अब समझ में आया ये? यस सर। ये सर वो केवल जेड एक्सिस से ही निकालेंगे? नहीं, किसी भी एक्सिस के, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया इसलिए तो आई लिखा है यहाँ पे, कोई भी आई हो उसके लिए, हर आई के लिए अलग अलग रेडियस ऑफ गायरेशन होगी। अभी और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ओके सर। हाँ जी सर, जिस पॉइंट पे हम पॉइंट मास को सपोज करेंगे वहीं से रेडियस ऑफ गायरेशन होगा? नहीं, एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे रखें यही वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, वही तो समझा रहा हूँ सर। जैसे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे? हाँ हाँ राइट। अब जैसे ये एक्सिस के बने, देखो एक मिनट, ये मैं ए बी थिन रॉड ले रहा हूँ, ये ए बी थिन रॉड,
का मास एम है, लेंथ एल है, यहाँ पे इसका नाम वाई एक्सिस है, इसके एक एंड से पास हो रही है, इसका नाम एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई भी एक्सिस हो सकती है। तो मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है इस रॉड के लिए, इस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो मैं आई वाई लूंगा जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, वाई के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री है। अब ये तो हम कंसेप्चुअली ये समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इस के मास को मैंने पॉइंट मास में कन्वर्ट करके एक्स डिस्टेंस पर रख दिया सेम एक्सिस से। अब ये एक्स डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो इस रॉड का आ रहा था। तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर रख देना है बस इसे, मास तो फिर कैंसिल हो जाएगा हमेशा। ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। बताओ ये आया समझ में? यस सर। अब समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? बट सर इसकी जरूरत क्या होती है रेडियस ऑफ गायरेशन की? सबसे बड़ी जरूरत तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा। यही सबसे बड़ी जरूरत है इसकी। ठीक है हाँ। ओके सर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है जहां पर इस पूरे मास को, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट मास मानते हुए, हम कितने डिस्टेंस पे रखे हैं कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। हाँ डाउट है कुछ? यस सर। हाँ बोलो। सर जी हमने पॉइंट मास एम माना है, इसे ए बी पे नहीं रख सकते, इसको नहीं निकाल सकते? इसको क्या करते हैं हम? जो पॉइंट मास हमने निकाला है ये ए बी का निकाला है। ए बी जो रॉड का मास गिवन है वही मास लिया है हमने, इस रॉड को हमने पॉइंट मास की तरह मान लिया। ओके सर। सर तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन ये एक्स डिस्टेंस है या फिर ये ए बी से लेके एम के बीच का डिस्टेंस है? ये जो y एक्सिस से इस पॉइंट मास का डिस्टेंस है ये वाला, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है ये डिस्टेंस। ओके सर। वो थोड़ा सा ऊपर कर देना, नोट करना। अगर मैं इसे पी क्यू बोल दूं तो ये जो पी क्यू डिस्टेंस आया ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। सर थोड़ा ऊपर कर देना, नोट करना। ऊपर या नीचे? सर ऊपर। यस सर। क्लास समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? यस सर आ गया। सर हाँ जी सर, एम एल स्क्वायर अपॉन में थ्री कैसा है? ये ए बी थिन रॉड का एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा था एम एल स्क्वायर बाई थ्री लास्ट क्लास सर, में? यस सर। तो कॉपी मार लिया वहां से? सर फिर यहाँ पे एक्स के इक्वल में टू कैसे आ गया अपॉन में अंडर रूट में टू? ये तो मैंने गलत कर दिया, ये मैंने जल्दी में गलत कर दिया। टू नहीं आएगा, ये सी का रूट आएगा ना, एल बाई रूट थ्री जो यहाँ है वो ही आएगा। ठीक है तो अभी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, अभी लग रहा है मुझे अभी डाउट है कहीं कहीं। ये मैंने एक डिस्क ली है,
इसका मास एम है, रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है डिस्क का। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, जो कि ये टेंजेंट इस डिस्क के प्लेन में, दो तरह की टेंजेंट हो सकती है, ऐसा इनफाइनाइट टेंजेंट है, तो ये मैंने इसके प्लेन में लिए, फिर अगली टेंजेंट लूंगा मैं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पी पॉइंट से पास हो रही होगी, ये पी पॉइंट है। अब ये पी से पॉइंट से पास हो रही है टेंजेंट और सेम प्लेन में, टेंजेंट और डिस्क आर इन द सेम प्लेन। तो मुझे इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और फिर इसी टेंजेंट के अबाउट मैं रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है इसी के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन में निकालूंगा। तो दो मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लो। सर हाँ जी सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, मैंने अभी पूछा ही नहीं, अभी ट्राई करना है, अभी बताना नहीं है, ठीक है। पहले सबको ट्राई करने देते हैं, फिर डिस्कस करता हूँ। सबका आंसर आ गया? यस सर आ गया। ओके, अब मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग आंसर मैच करोगे, ठीक है, और जिसको आंसर में डिफिकल्टी होगी उसके साथ डिस्कस करूंगा। तो पैरेलल एक्सिस के अबाउट मुझे टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट दिस टेंजेंट। तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, इस टेंजेंट का नाम है ए बी रख देता हूं, और ए बी के पैरेलल मैं इसके सेंटर से एक्सिस पास करूंगा ओ से। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से आई ए बी के अबाउट होगा मेरा, आई अबाउट सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इनके बीच का डिस्टेंस लूंगा जो कि रेडियस है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ओ के अबाउट ये जो डायमीटर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 4, और ये डिस्टेंस मेरा आर है। अब मैं इसको सम करने के लिए इंटू फोर कर दूंगा, 5/4 एम आर स्क्वायर। पहले यहां तक बताएं, यहां तक आ रहा है सबका? सर एम आर स्क्वायर बाय 4 कैसे आया था?
ये फॉर्मूले लिखवाए भाई, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई फोर होता है, जेड एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर एक्सिस है एम आर स्क्वायर बाई टू है, और उसका आधा डायमीटर के अबाउट होता है। सारे फॉर्मूले कल लिखवाए थे मैंने लास्ट क्लास में, मतलब क्लास ही आ रहा है आपका? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। आपका भी यही आ रहा है? यस सर। यस सर। आ रहा है ना? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। आ रहा है। हाँ गुड, तो सबका ही आंसर आ रहा है। अब देखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन सेम एक्सिस के अबाउट। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है आई ए बी, इसको एम एक्स स्क्वायर रख देना है और एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। हमेशा यही करना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर रख देना है। और ये मेरा आया है 5/4, तो मास हमेशा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम मास रखना है हमेशा, और एक्स इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये मेरी रेडियस ऑफ गायरेशन आ रही है, सबका यही आंसर है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ अब समझ में आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? यस सर आ गया। अगेन मैं डिस्क ले रहा हूँ, अब जो मेरी टेंजेंट है वो पी पॉइंट से पास हो रही है लेकिन इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो डिस्क का प्लेन है इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पी पॉइंट से नॉर्मल टू द प्लेन पास हो रही है। डिस्क का मास एम ले रहा हूं मैं, डिस्क की रेडियस में आर ले रहा हूं, एक तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसी के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। तो ट्राई करते हैं, आप लोग पहले ट्राई करो फिर देखते हैं।
तो 1-2 मिनट का टाइम आप लोग ले लो, फिर मैं भी ट्राई करता हूँ। हो गया सर, हो गया सर। ठीक है, अभी मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से टेंजेंट पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस सेंटर से पास करेंगे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई अबाउट पी, ये है आई अबाउट ओ प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस इन दोनों एक्सिस के बीच में आर का है, और ओ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या लू एम आर स्क्वायर बाई 4 बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। वेरी गुड, 2 ले लू ना, 4 तो नहीं? नो सर, 2 आएगा। हाँ तो यही ध्यान रखना है, अब ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए इसको मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर रख देना है, ये डिस्टेंस वही रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो बड़ा आसान है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं मान लूं सबका ये आंसर आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। गुड, चलो और प्रैक्टिस करते हैं अभी। अब पहले आप लोग बताओ मुझे, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे निकालते हैं? यस सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाते हैं समझ में आ गया है ना, और सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे वो भी आपको आ गया था। क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा उसमें इसके ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा होंगे, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे मोस्टली, और आपका बेसिक चैप्टर भी आ रहा है डायमेंशन एरर्स है ना। तो अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास ये 3 डेज का है,
मास सबका एम है और रेडियस सबकी आर है, ये जो फर्स्ट वाला डिस्क है इसके सेंटर का डिस्टेंस यहां से ये ए ले लेता हूं मैं, इसमें भी जो आई जेड है वो जेड आप अलग से निकालेंगे, इनका सम करके नहीं निकालेंगे, आई एक्स आई वाई आई जेड, और रूल आपको मालूम ही है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिखना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंप्लीफाई आप बाद में कर सकते हैं, अभी क्लास के लिए आप सिंप्लीफाई नहीं करना है, जिससे कि हम जल्दी आंसर मैच कर लें। तो तीन डिस्क है, तीनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, फ्लोर के भी कांटेक्ट में ऐसे रखी हुई हैं, एक्स के अबाउट वाई के अबाउट, और जो यहां से पास हो रही है जेड एक्सिस ओ पॉइंट से, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है हमें, ट्राई करते हैं। तो लिख लेंगे आप तो मुझे बता देंगे, ठीक है। क्लास लिख लिया आपने,
अभी ट्राई कर रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके आई जेड वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आई जेड डायरेक्ट लिखना, ए और बी एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, आई जेड डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे। जिनका जिनका आई जेड डायरेक्ट सही आएगा तो उनके चांस बढ़ जाएंगे क्वेश्चन सही करने के, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आई जेड वाला ट्रिकी है। सर हो गया। ओके औरों को भी ट्राई करने देते हैं। सर हो गया। ओके तो मैं मान रहा हूँ सबने लिख लिया, ठीक है डिस्कस करूं? यस सर। ओके पहले सबसे पहले आई एक्स लिखना, आई एक्स ये जो ए वाली डिस्क है इसके लिए। ओके एम आर स्क्वायर बाई टू लू सही है? नो सर। फोर सर। फोर एम आर स्क्वायर बाई फोर। कुछ ऐड भी करना है इसमें ए के लिए? यस सर। यस सर। एम ए स्क्वायर एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। क्या ये ए के लिए सही आ रहा है? ए वाली डिस्क के लिए ठीक है क्या ये? यस सर। सर एम आर स्क्वायर पे टू नहीं आएगा? टू बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल डायमीटर, यहाँ से डायमीटर पास हो रहा है तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर वही फोर, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। ये खाली ए डिस्क के लिए है। अब बी और सी के लिए भी क्या सेम आने वाले हैं? यस सर। तो इनटू थ्री कर दूं? यस सर। यस सर इनटू थ्री। ये आई एक्स है देखो सबका यही आया। आई एक्स में अगर किसी को डाउट है तो मुझसे फिर से डिस्कस करूंगा। बोलो सर ये आई एक्स में थोड़ा सा डाउट है। हाँ बोलो जो भी डाउट है, मैं क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, जिसको भी डाउट है क्लियर कर लो अभी, नहीं तो ये डाउट कभी खत्म नहीं होगा, आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमें डाउट बढ़ते ही आएंगे। बोलो सर ये एम आर स्क्वायर बाय फोर तो समझ में आ रहा है, बट ये एम हाँ आर स्क्वायर कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा। इसको यहाँ समझा रहा हूँ देखो। ये ए डिस्क है, पहले इसके सेंटर के अबाउट निकाला, ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई फोर। एम आर स्क्वायर बाई फोर। पर हमें तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। हाँ तो फिर एक्स एक्सिस तो सेंटर से पास नहीं हो रही, तो इनके बीच का डिस्टेंस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर पैरेलल एक्सिस अच्छा। थ्योरम नहीं लगाएंगे? अच्छा ठीक है सर। आगे सर। हाँ अच्छा ठीक है अब सर। आगे ठीक है। हाँ अब ठीक है। उसमें भी ऐसे था तो हमने उसमें एम आर स्क्वायर बाय टू लिया था। क्या बोल रहे हैं अभी? अभी डाउट है मतलब? यस सर। क्या एम आर स्क्वायर बाय टू होना चाहिए? सर जैसे कि जो उसके पहले वाला एग्जांपल था उसमें भी हमें डिस्क गिवन था और टेंजेंट के अबाउट निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पे हमें एम आर स्क्वायर बाई टू लिया था, यहाँ एम आर स्क्वायर बाई फोर ले लिया, ऐसे कैसे जब मन में आया एम आर स्क्वायर बाई टू लिया, जब मन में आया एम आर स्क्वायर बाई फोर लिया, यही डाउट है? यस सर। यहाँ पर आ जाओ,
इसमें देखो जरा एक्सिस कहाँ पास हो रही है, टेंजेंट पी से पास हो रही है नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो ओ से एक्सिस पास हो रही है वो डायमीटर ऐसे इसके प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। ओके सर, ओके सर, तो एक्सिस बदल गई इसलिए एम आर स्क्वायर बाई टू है। यहाँ पर, यहाँ पर ये जो एक्सिस है एक्स के पैरेलल वो इसके प्लेन में है, ठीक है। यस सर, चलिए आई एक्स बी के लिए इंटू टू कर देंगे तो बी के लिए आ जाएगा। इंटू टू कर देंगे बी के लिए नहीं आ जाएगा, सबके लिए सेम है, ये प्लस प्लस करना था इसलिए इंटू थ्री किया, ऐसा नहीं बी के लिए करना है तो टू, खाली दो डिस्क हो तो मिला के टू इंटू टू करते, दो खाली दो होती तो जैसे चलिए तीनों डिस्क के लिए सेम, तीनों के लिए सेम आएगा, एक्स के लिए बी के लिए लिखेंगे वो भी यही आएगा, सी के लिए लिखेंगे इसलिए इंटू थ्री किया। ये किसकी आवाज आ रही है भाई, ये किसका माइक है, वो इको कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, किसी के माइक में प्रॉब्लम है ये। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बोलो बोलो क्या डाउट है बताओ। हाँ बोलो क्या डाउट है, कोई डाउट पूछ रहे थे? क्लास कोई डाउट था आपको किसी को इसमें? नो सर। ओके अब वाई एक्सिस पे आते हैं, वाई के लिए पहले एड वाली डिस्क के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एम आर स्क्वायर बाई टू लिखूं? नो सर, फोर नो सर। हाँ या ना? नो नो सर। इस डिस्क के लिए वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पहले वाई के पैरेलल सेंटर से पास करेंगे, ऐसे यहां पे बना रहा हूं, तो ये भी डायमीटर हुआ ना इस प्लेन में आ रहा है, तो एम आर स्क्वायर वाई फोर लिखेंगे पहले इसके अबाउट, प्लस कुछ ऐड करेंगे इसके लिए और कुछ एम ए स्क्वायर। इसको यहां से हटा रहा हूं मैं क्योंकि इधर मुझे अभी और लिखना है यार, और यहां पे बना रहा हूं वो यहां पे। तो ये y एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए y के पैरेलल एक्सिस ड्रॉ की, जो कि डायमीटर आ रहा है इसलिए इसके प्लेन में, तो प्लेन के लिए हमारे स्क्वायर वाई फोर प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये a वाले डिस्क के लिए हुआ, प्लस b वाले डिस्क के लिए, क्या लिखूं? ए प्लस टू आर स्क्वायर होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, तो बी के लिए ए और ये आर और ये आर, टू आर, ए प्लस टू आर, सी के लिए एम आर स्क्वायर बाई फोर क्या लिखूं? ए प्लस फाइव आर का होल स्क्वायर। प्रोफेसर फोर आर, सोच लो, फोर आर की फाइव आर, फोर आर सर, फोर आर आना चाहिए। ए प्लस भी करेंगे,
यस सर ये सी के लिए। अब एक बार चेक कर लो ए बी सी, किसी को डाउट है तो फिर डिस्कस करता हूं। नो सर कोई डाउट नहीं है। आई एक्स आई वाई क्लास में सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब जरा सी पे आते हैं। सी में मुझे थोड़ा डाउट है, मैं आप लोगों की हेल्प लूंगा। जेड एक्सिस के बारे में, आई अबाउट जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस ओ से पास हो रही है नॉर्मल टू द एक्स आई प्लेन सर। हाँ जो आई एक्स के लिए आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था वो सेंटर से पास क्यों हो रहा है? ये यस सर। तो कहां से पास होना चाहिए सर सेंटर से ही क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सेंटर को छोड़ देता हूँ तो कहां से पास करवानी है? तुम्हारे मन में क्या आ रहा है कहां से पास होनी चाहिए? सर्कल के बाहर से भी हो सकता है, यहाँ से भी, डिस्क के बाहर से, यहाँ से कहीं से भी हो सकती है, ये कह रहे हैं? यस सर। नहीं भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ी है, जिसके अबाउट निकालना है उसके पैरेलल एक्सिस सेंटर से ही पास होनी चाहिए, यही है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम? सर ये लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए पर सेंटर से ऐसा नहीं, सेंटर से ही होनी चाहिए, ये भी है सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास है उससे ही पास होनी चाहिए, ये भी पॉइंट लिखवाया है, सब ध्यान से देखो। ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? हाँ समझ आ गया। हाँ लिखवाए। हाँ सेंटर से ही पास होने नहीं तो गलत हो जाएगा, इसे फिर ब्लेंडर कहेंगे, ब्लेंडर फिर आंसर कभी आएगा नहीं। यस सर। समझ ये किसी का माइक, तुम्हारा माइक में इको आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है ना? अब जेड एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूं मैं, तो जेड एक्सिस एक्स वाई के परपेंडिकुलर ओ से पास हो रही है पहले ए वाली डिस्क के लिए। आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, क्या लिख दूं? एम आर स्क्वायर तक तो आता है मुझे, इसके बाद में भूल जाता हूँ, क्या लिखूं? बाय टू, टू या फोर? टू 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 प्लस भी करना है कुछ? यस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कह रहे हैं क्या? यस यस सर। डिस्क ए के लिए बिल्कुल सही है, यहां पे बना रहा हूं फिगर। जेड एक्सिस हमारी यहाँ ओ से पास हो रही है नॉर्मल टू द प्लेन, और ये इसका सेंटर है, सेंटर और जो नॉर्मल से एक्सिस पास हो रही है इन दोनों के बीच में स्पेस में ये डिस्टेंस, ये एक्स वाई प्लेन में ये दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, और ये है ए और ये है आर। तो ये पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है, और क्योंकि हमें इसका स्क्वायर लेना है तो हमने स्क्वायर ले लिया। तो ए के लिए देखो सबका ये आंसर है, समझ में आया? यस सर। हाँ जिस जो भी जिसने भी आई जेड का सही लिखा है उसका फंडा क्लियर हो गया, वो समझ गया है, उसके क्वेश्चन आगे अपने आप सही होंगे। अब बी के लिए एम स्क्वायर बाई टू या फोर? टू टू प्लस मास इनटू ए प्लस टू आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ ए प्लस टू आर यहाँ तक और ये आर। वेरी गुड। तो ए प्लस ये ब्रैकेट जरा उल्टे पुल्टे हो गए, कोई बात नहीं। ये बी के लिए
ए प्लस टू आर यहां तक, यहां तक ए प्लस टू आर और ये वाला डिस्टेंस आर, तो पाइथागोरस से ए से लेके इसके सेंटर तक का ये वाला डिस्टेंस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब सी के लिए ए प्लस फाइव आर फोर आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए प्लस फोर आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है क्या? सबने ये किया? यस सर, यस सर, वेरी गुड। आई जेड जिसने भी ठीक किया है उसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए, उसको क्लियर क्लैरिटी आ गई, उसको समझ में आ गया। आई जेड में एमआर स्क्वायर प्लस फोर नहीं आना चाहिए था। जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो सेंटर पे एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी ना, इसके पैरेलल एक्सिस, और प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पे टू आएगा ना। ओके सर, ओके। हाँ थोड़ी सी देखिए आप सब सही कर रहे हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस पढ़ानी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी है। अब एक मिनट बचा है, मैं एक मिनट का क्वेश्चन क्या पूछूं आपको वही सोच रहा हूं। एक मिनट में मैं आपको डायमेंशन पूछ रहा हूं, डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन निकालने के लिए क्वांटिटी बताएंगे, ऊपर क्या लिखूं नीचे क्या लिखूं? ऊपर फोर्स, नीचे एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, वेरी गुड। अब फोर्स की डायमेंशन क्या लिखूं? एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस टू अपॉन एल की पावर स्क्वायर। ऐसी बात नहीं है, प्रिपरेशन अच्छी आप लोगों की, वेरी गुड। तो ये प्रेशर की डायमेंशन, एक और बता दो। चलो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने लोगों को याद है इसकी डायमेंशन, यानी मेथड, मेथड से निकाल लिए, मेथड कितने लोगों को याद है? सर ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है क्या? ये बिल्कुल सही, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, बिल्कुल सही सर। स्ट्रेस की तो प्रेशर वाली होती है, वेरी गुड। और स्ट्रेन की शायद से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा ही कुछ था। बिल्कुल सही, तो इसलिए ये डायमेंशन लेस है, इसकी नहीं होती और इसकी प्रेशर वाली होती है, तो यानी सेम ही आंसर आ गया ना। यस सर। हाँ सेम ही आंसर है, तो कह देना था ये रहा आंसर, ऊपर लिखा हुआ है यही आंसर है, स्ट्रेस की फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन की डेल्टा एल अपॉन एल, जो कि डायमेंशन लेस है। क्लियर है? यस सर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं आपको दशहरे के टाइम पे बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहता, यहाँ तक ऑल ओके, किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? स्टूडेंट्स कोई डिफिकल्टी तो नहीं आपको यहाँ तक? नो सर। ओके, तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दशहरा, एंजॉय। सेम टू यू सर, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम।
गुड नाइट सर. गुड नाइट.